हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको बेसन का नाश्ता। ये देखिए, हमने सामग्री लिया है, बारीक कटी हुई प्याज है, थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर लिया है और हमने हल्दी पाउडर भी लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है और दो बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, छोटे टुकड़े में काट लिए, और दो बड़े साइज़ का टमाटर भी हमने छोटे टुकड़े में काट के ले लिया है। ये हमने राजस्थान मसाला लिया है और हमने बेसन लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने सामग्री सारा तैयार कर लिया है। ये बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं घर पर। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता और बहुत ही कम टाइम में आप बना लेंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या बनाएं घर पे, तो आप ये इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये देखिए, पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में बेसन को डाल देंगे। हमने अपने अकॉर्डिंग बेसन लिया है। ये देखिए, हमने बेसन ले लिया है। आपकी फैमिली जिस हिसाब से हो आप ले सकते हैं। हमने 5 लोगों के लिए बनाया है। इसके बाद हम टमाटर को डाल देंगे बेसन में। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, तो हम 5 लोगों के लिए बना रहे हैं नाश्ता। आपकी फैमिली में जितने लोग हो उतने लोगों के लिए बना सकते हैं। देखिए, हमने शिमला मिर्च भी डाल दिया है। इसके बाद बारीक कटी हुई जो हरी मिर्च थी उसको भी ले लेंगे। ये देखिए, उसके बाद प्याज को भी डाल देंगे। सारी सामग्री को डाल देंगे, जीरा पाउडर को भी ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बट हमने डाला नहीं है, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए, सारी सामग्री को डाल दिया है। सॉल्ट भी ले लेंगे टेस्ट के अनुसार। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने राजेश मसाला लिया है। आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। देखिए दोस्तों, हमने डाल दिया है मसाला भी। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे सामग्री को बेसन में। चलिए दोस्तों, हम इसका घोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़े पानी करके हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये थोड़ी ढीली हो जाएगी तो सही नहीं होगा, इसका अच्छे से बनेगा नहीं नाश्ता। ये देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। ज़्यादा सूखा भी ना रहे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। हमने इसको तैयार करके बगल में रख लिया है साइड में। इसके बाद हम तावा लेंगे, तावा पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। जैसे बहुत ही कम ऑयल में पराठा बन सकता है, बन जाएगा आपका। इसके बाद हम थोड़े थोड़े चम्मच की सहायता से नॉन स्टिक हमने तावा लिया है और हल्का हल्का ऐसे फैला देंगे हम पराठे के आकार का, सर्कल के आकार का कर देंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में आप बना लेंगे इसे। ये देखिए, हमने एक सिंगल पराठा बना के दिखा दिया नाश्ते में। इसके बाद 2 सेकंड बाद पलट देंगे हम दूसरी साइड पकाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, एक साइड का हमारा कितना क्रिस्पी तैयार हो गया है, पराठा पक गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दें। इसके बाद पराठे को निकाल लेंगे एक ट्रे में। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, नए लोग हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको डबल डबल कर नाश्ता ये टिक्का बनाना बताएंगे। ये देखिए, हमने एक और बना के आपको बता दिया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं।